फ्रेंड्स, आकाशा दिसाई, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। ये क्वेश्चन आपको न्यू सिलेबस के OCM सब्जेक्ट में मिलेगा, एंड प्लस इसी का कुछ पार्ट आपको सेक्रेटरी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट में मिलेगा, प्लस कुछ पार्ट आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि इस क्वेश्चन का इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, प्लस आपके हाथ में पेन एंड नोटबुक हो तो और बेटर रहेगा। साथ में ये लिखते जाना, वीडियो को पॉज करना, याद करने की कोशिश करना, तभी बात बनेगी। खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला। तो प्लीज़ अपना पेन एंड नोटबुक साथ में रखना, साथ में पढ़ेंगे एंड याद भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते। द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, या तो टू पार्ट्स बोल सकते हो, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। आपका प्राइमरी फंक्शन दो टाइप का होगा, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। सेकेंडरी फंक्शन आपका एजेंसी फंक्शंस होगा एंड यूटिलिटी फंक्शंस होंगे। और ये आपको देखना है, प्राइमरी फंक्शंस पूछा है तो ये दो होगा, सेकेंडरी ये दो होगा। हमको डिटेल में पढ़ना है कि जो कमर्शियल बैंक से उसका फंक्शन मतलब काम क्या होता है, पहला काम क्या होता है और दूसरा काम क्या होता है। पहला काम कमर्शियल बैंक का ये होता है कि वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है एंड किसी को जिसको ज़रूरत है उनको लोन्स एंड एडवांसेस, ये लोन का ही टाइप है, लोन दे देता है। सेकेंडरी फंक्शन से ये आपको अदर फंक्शंस बोल सकते हो, इसमें डिवाइडेड देखेंगे उसमें क्या क्या आता है। चलिए तो शुरुआत में हम लोग देखेंगे प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स का पहला फंक्शन क्या है, वो पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। सिंपल, कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनीज के पास से। दैट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, टाइम डिपॉजिट्स एंड डिमांड डिपॉजिट सिस्टम। देखो एंड सिंपल भी है, क्या कमर्शियल बैंक पब्लिक से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है। ओके, और डिपॉजिट्स कौन से दो टाइप्स के होंगे, टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, देखो डिपॉजिट दो तरह के होंगे, टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट, साथ में आप लिखो गया। चलिए अब ये टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट क्या है। डिपॉजिट दो तरह के, टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट। अभी टाइम डिपॉजिट क्या है सर, देखो टाइम डिपॉजिट्स आर रिपेड टू द कस्टमर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ डिसाइडेड टाइम, मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद ये पैसा जो पब्लिक से या तो हमने कस्टमर से या तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कंपनी से लिया है, वो कुछ पीरियड के बाद उनको वापस देना है। तो जो टाइम डिपॉजिट से वो दो तरह के, देखना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट आगे का है। पहला देखेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है। देखो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इज एन अकाउंट वेयर फिक्स अमाउंट इज केप्ट, ठीक है, फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर एज कम्पेयर टू सेविंग बैंक। आपको सेविंग अकाउंट तो पता रहेगा, कस्टमर इंडिविजुअल के लिए होता है, उससे कंपेरिजन करोगे तो फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। विड्रॉवल इज नॉट परमिटेड बिफोर द मैच्योरिटी डेट, मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट किया है सपोज वन ईयर के लिए, तो वन ईयर से पहले विड्रॉ करना वो डिपॉजिट अलाउड नहीं होता। तो विड्रॉवल इज नॉट परमिटेड बिफोर द मैच्योरिटी मतलब ड्यू डेट। अभी सेकेंड क्या है सर, टाइम डिपॉजिट का टाइप, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अभी देखो रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय पर्संस हैविंग रेगुलर इनकम, जिनका रेगुलर इनकम फ्लो होता है वो ऑपरेट करते हैं। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट कौन ओपन करेगा, जिसका रेगुलर इनकम है सर, मंथली इनकम आता है, तो आप रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अ फिक्स सम ऑफ मनी, आगे उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अ फिक्स सम ऑफ मनी इज डिपॉजिटेड इनटू द अकाउंट एवरी मंथ। देखो मैंने बोला था ना कि मंथली इनकम आता है तो आप मंथली डिपॉजिट करोगे एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉर्मली ज्यादा रहता है यहाँ पे। सिंपल, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट में याद रखना डिफरेंस ये है, वहां पे फिक्स डिपॉजिट में एक फिक्स्ड अमाउंट, मतलब सब आज समझते हो 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज आपने 2 ईयर्स के लिए डिपॉजिट करके रख दिया, तो आपको 2 साल के बाद वो 1 लाख प्लस इंटरेस्ट मिल जाएगा। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होगा सर, आप क्या करते हो, रेगुलर इनकम, रेगुलर मतलब अगर सपोज 10,000 है, 10,000 रुपीज आप मंथली डिपॉजिट करते हो, ठीक है,
एंड आपको ये 10,000 रुपीज जब तक डिपॉजिट करना है आप कर सकते हो, यहाँ पे आप पीरियड भी डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिकरिंग डिपॉजिट एंड फिक्स डिपॉजिट हो जाएगा। अभी डिमांड डिपॉजिट, देखो देखो सिंपल, जो डिपॉजिट्स है वो दो तरह के, कौन से टाइम डिपॉजिट एंड डिमांड डिपॉजिट। अभी जो टाइम डिपॉजिट है वो दो तरह का था, फिक्स्ड एंड रिकरिंग। अभी डिमांड डिपॉजिट देखेंगे। डिमांड डिपॉजिट्स क्या है सर? डिमांड डिपॉजिट्स आर रिपेड टू द कस्टमर वेन एवर दे डिमांड। जब वो मांगेंगे तभी पैसा रिपे करना पड़ेगा, जब वो डिमांड करेंगे तभी पैसा रिपे करेंगे। आगे देखना, एंड इसमें सबसे पहले आता है सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट देखेंगे। सेविंग अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय द रेगुलर और फिक्स्ड इनकम अर्नर्स, सैलरी या तो वेजेस, मतलब जिनको सैलरी मिलता है, वेजेस मिलते हैं, जो सेविंग करना चाहते हैं वो सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, ठीक है। एंड देर इज रेस्ट्रिक्शंस ऑन द विड्रॉवल लिमिट, देर इज सॉरी, दिस अकाउंट हैज अ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो विड्रॉवल लिमिट्स में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। आप सपोज बोला जा सकता है, बैंक लिमिट डिसाइड कर सकता है कि आप 40,000 से ज़्यादा एक दिन में विड्रॉ नहीं कर सकते, इंटरेस्ट यहाँ पे कम मिलेगा। ये होता है सेविंग अकाउंट। ऑपरेट करेंगे कौन सा? रेगुलर या तो फिक्स्ड इनकम अर्नर, जैसे कि सैलरी या तो वेजेस। विड्रॉवल कितना भी कर सकते हो क्या? नहीं सर, आप यहाँ पे क्या है, रेस्ट्रिक्शंस है, इंटरेस्ट यहाँ पे कम मिलेगा। अभी देखते हैं करंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज ऑपरेटेड बाय बिजनेस फॉर्म्स एंड अदर कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन सच एज हॉस्पिटल्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सिंपल, करंट अकाउंट बिजनेसमैन्स कंपनीज ओपन करते हैं। देर इज नो रेस्ट्रिक्शन और ऑन डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल, मतलब आप कितना भी विड्रॉ कर सकते हो, डिपॉजिट भी कितना कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सेविंग अकाउंट में रेस्ट्रिक्शंस है। नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन दिस अकाउंट, ये करंट अकाउंट में इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट बात है सर, करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर दिस अकाउंट, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है, मतलब आपके अकाउंट में सपोज बैलेंस है 5,000, आपको विड्रॉ करना है 10,000, तो अलाउड कर दिया जाएगा। ओवरड्राफ्ट, आप ओवर मतलब ज्यादा विड्रॉ कर सकते हो। अभी सेकेंड सेकेंड पार्ट है सर ये। प्राइमरी फंक्शन दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड ग्रांटिंग लोन्स एंड एडवांसेस। अभी कंपनी ने ये सब टाइप के डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, अभी वो किसी और को लोन भी दे सकता है। देखो, बैंक प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस टू बिजनेस फर्म्स एंड अदर्स, मतलब बैंक्स बिजनेसेस को एंड किसी और को लोन दे सकता है। लोन्स आर प्रोवाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर एंड एडवांसेस आर प्रोवाइडेड फॉर 4 मंथ्स टू 1 ईयर। सिंपल सर, लोन एंड एडवांसेस में फ़र्क क्या है? लोन्स प्रोवाइड किया जाता है 1 ईयर से ज़्यादा पीरियड के लिए, एंड एडवांसेस जो होता है वो 4 मंथ से 1 ईयर के पीरियड में होता है। लोन्स कौन से होंगे देखना। शॉर्ट टर्म लोन से प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड अप टू 1 ईयर फॉर मीटिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बोरोवर। बोरोवर मतलब जो सर लोन लेता है, ठीक है। तो सिंपल, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब सर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स होते हैं सर ये इनका। वर्किंग कैपिटल मतलब अगर कोई बिजनेस फॉर्म है तो रॉ मटेरियल्स वगैरह परचेस करने, तो डे टू डे इनको रॉ मटेरियल्स परचेस करने होते, तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए शॉर्ट टर्म लोन लिया जाता है अप टू पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो मीडियम टर्म लोन्स होते हैं सर वो 1 ईयर से 5 ईयर्स के बीच में होते हैं। सो सिंपल है, प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड अप पीरियड ऑफ 1 ईयर टू 5 ईयर्स। काय के लिए सर? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, या तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब मशीनरी वगैरह कुछ परचेस करना है तो भी ये फिक्स कैपिटल है सर। लॉन्ग टर्म लोन्स 5 ईयर से ज़्यादा, तो प्रोवाइडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स और मोर टू मीट द लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म लोन है तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। अभी एडवांसेस के क्या क्या टाइप्स है? इसके 3 टाइप्स है सर, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एडवांसेस क्या होते हैं सिंपल समझना। कैश क्रेडिट एडवांसेस मैंने बोला था 4 मंथ से 1 ईयर तक के लिए लोन लेना। देखो सर, कैश क्रेडिट एक अकाउंट ओपन करना होता है बोरोवर को बैंक में, ठीक है। देखना क्या है, द बोरोवर कंपनी कैन विड्रॉ अमाउंट। बोरोवर कंपनी बोलो या तो इंडिविजुअल बोलो, बोरोवर मतलब कौन है सर? जो लोन लेने वाला है, एडवांसेस लेने वाला है, वो विड्रॉ कर सकता है पैसा फ्रॉम हिज कैश क्रेडिट अकाउंट। मैंने बोला था अकाउंट ओपन करना है, अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कुछ लिमिट, कितना भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकता, वो एक लिमिट रहेगा, वो लिमिट तक वो पैसा विड्रॉ कर सकता है। एंड द कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। सिंपल, आपको कैश मिलेगा बैंक से, ठीक है,
उधार पे मिलेगा, ठीक है। देखो, कैश क्रेडिट इज गिवन अगेंस्ट प्लेज और हाइपोथिकेशन ऑफ गुड्स। मतलब देखना, आपको कैश क्रेडिट मतलब कुछ पैसा मिलेगा, बट कब सर? आपको एक काम करना है, आपको आपके गुड्स, कंपनी है तो उनके गुड्स बैंक के पास रखने होंगे, ठीक है। आप वहाँ पे जब सिक्योर करोगे आपके गुड्स, तभी आपको क्या मिलेगा सर? कैश क्रेडिट या तो पैसा मिलेगा। तो एक नॉर्मल लोन में एंड कैश क्रेडिट में इतना ही डिफरेंस है, आपको बैंक पैसा देगा बट आपको क्या करना पड़ेगा? गुड्स या तो कुछ अदर आपको मटेरियल क्या करना पड़ेगा? बैंक के पास गिरवी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ओवरड्राफ्ट, ये तो आपको पता ही है सर। ये फैसिलिटी किसको दिया जाता है? करंट अकाउंट होल्डर को। क्यों सर? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, जब उनको ज़रूरत होती है अर्जेंटली तो लेते हैं। बोरोवर इज अलाउड टू ओवरड्रू फ्रॉम हिज करंट अकाउंट। ओवरड्रू मतलब ज़्यादा, जो अमाउंट है उस वो पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा पैसे बोरोवर ले सकता है। नेक्स्ट है सर डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। द बोरोवर ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कैन डिस्काउंट द बिल विद द बैंक एंड ऑब्टेन एन एडवांस ऑन द ड्यू डेट ऑफ द बिल। द बैंक विल रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द ड्रॉवी। आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज पता रहेगा, ड्रॉवर ड्रॉवी के बीच में बिल बनाया जाएगा। जब ड्रॉवर को पैसे की सख्त ज़रूरत है तभी क्या कर सकता है? वो बिल लेके बैंक के पास जा सकता है, बैंक को बोल सकता है मुझे अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है। बैंक उनको पैसा देगा एंड ड्रॉवर क्या करेगा? बिल बैंक के पास रख देगा। देन बैंक जो है वो पैसा रिकवर करेगा किससे? ड्रॉवी से। बट याद रखना, जो ड्रॉवर है उसको पैसा पूरा नहीं मिलेगा। आपने अगर अकाउंट्स पढ़ते हो तभी आपको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज की आपको एंट्री पावर पे पता चलेगी, एक डिस्काउंट करके अमाउंट आता है, कभी भी बिल का पूरा पैसा ड्रॉवर को नहीं दिया जाता। तो ये था पूरा प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स। ये नोट्स जो है वो आप अवेलेबल कर सकते हो। 12th के नए सिलेबस के नोट्स है सर, SP OC या निको सब्जेक्ट्स के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड स्टे कनेक्टेड विथ स्काई डायरी स्पीक्स। थैंक यू सो मच।